नमस्कारम। बड़े लोग तो अपनी कब्ज ठीक कर लेते हैं जैसे तैसे, चूर्ण खा के, कोई पपीता खा के या कुछ ऐसी चीज़ें करके, दवाइयाँ आदि से। छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, वो क्या करें? माएँ कंफ्यूज रहती हैं कि छोटा बच्चा है, अब बच्चे को दवाई भी नहीं देनी। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि वो त्रिफला खुद खा रहे हैं कब्ज के लिए, तो बच्चों को भी खिलाने लग जाते हैं, जो कि सेफ़ नहीं है। तो ऐसे में क्या करें बच्चों की कब्ज के लिए? जैसे जो बच्चे सिर्फ दांत निकाल रहे हैं, छोटे हैं, दूध पीते हैं सिर्फ, उनको कब्ज हो जाती है, या को थोड़े बड़े भी हो रहे हैं लेकिन कब्ज बच्चों को रहती है, तो क्या करें? सबसे पहले कारण समझो। कारण होता है, जैसे कई बार माँ जो होती है बच्चे को अपना दूध पिलाती है, अब माँ फैटी चीज़ें खा रही है, माँ के दूध से कब्ज हो जाएगी बच्चे को। अगर माँ फैटी चीज़ें खा रही है तो बच्चा नहीं खा रहा लेकिन दूध में आ जाएगी। अब माँ स्ट्रेस ले रही है अगर, तो बच्चे को भी दूध जब वो पिएगा कब्ज हो जाएगी। अगर आप गाय का दूध पिला रहे हैं, माँ का नहीं पिला रहे, या भैंस का पिला रहे हैं, तो अगर आपने दूध में ओवर ज़्यादा पानी मिला दिया है, पतला कर दिया उसको, ओवर पानी मिला के भी दूध कब्ज कर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चे को दूध पीने से लूज मोशन लगते हैं, दस्त लगते हैं। तो सियाने लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि भाई इसको ना दूध पतला करके दे दे, इसको दस्त नहीं होगा, पच जाएगा। अब इससे उल्टा सोचो कि अगर किसी को कब्ज ही रहता है तो उसको पतला करके दूध दिया और कब्ज हो जाएगा, क्योंकि वो तो दस्त रोक रहा है पतला दूध। तो इसलिए आपको दूध में ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना, थोड़ा सा पानी ऊपर से दो चार घूंट डाल दे तो चल जाता है। और दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा उफान भी नहीं दिलाने उसको, ये भी गलत है, हैवी हो जाएगा तो भी कई बार कब्ज हो जाती है। दोनों स्थितियों में उसको नॉर्मल पे रखना है, आपने बैलेंस में रखना है। चलो ये तो बात थी अपनी लेवल पे। इसके अलावा कई बार दूध का नुकसान नहीं होता तो बच्चे की आंतें कमज़ोर होती हैं, जिसकी आंतें कमज़ोर होंगी बच्चे की तो उसको भी कब्ज रहती है। कुल मिला के क्या करें आंतों की कमज़ोरी के लिए? एक तो बच्चे की मालिश शुरू करो सारे शरीर पे, शरीर मजबूत होगा, रिष्ट पुष्ट होगा, तो वो खुद बच्चा भी मजबूत होगा। और साथ ही साथ पेट पे उसके, जब उसको कब्ज हो तो आप पेट पे, हम एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मालिश कर देते हैं बच्चे के पेट पे, थोड़ा हल्के हल्के हाथ से, कि उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना, लेकिन पेट पे मालिश एरंड तेल की कर देते 10-15 मिनट तो उसका पेट साफ हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी से ही हो जाएगा, थोड़े और भी कई नुस्खे साथ 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 इकट्ठे भी कर लिए जाएँ तो कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ है कि कई बच्चे, कईयों के अब एरंड का तेल मलने से पेट साफ हो गया, कईयों को दस्त रहती है, तो ऐसे बच्चों को माएँ अदरक का रस पेट मालिश कर देती हैं, तो अदरक का रस मालिश कर देने से पेट पे उनका दस्त रुक जाता है। नहीं रुके तो थोड़ा सा उसमें हम एक बार थोड़ी देर बाद फिर करा देते, थोड़ा ओआरएस पिलाते रहते हैं उनको, थोड़ा नींबू पानी या ऐसा कुछ पिलाते रहते हैं, नारियल पानी पिलाते रहते हैं। तो दोनों तरफ से आपको देखना है क्या उनको चाहिए। पेट पे पानी में हींग घोल के मल दो बच्चे के, तो गैस निकल जाती है, गैस निकल जाए उससे भी पेट साफ हो जाता है। अब बच्चा को पानी ज़्यादा पिलाओ बीच बीच में, उसको पानी ज़्यादा पिएगा, पेट नरम रहेगा, मल तो पेट साफ होगा। साथ ही साथ आप पेट साफ़ करने के लिए उसको मीठी मीठी गुलकंद खिला दो, कोई नुकसान नहीं है। पेट साफ़ करने के लिए ज़्यादा तेज़ मीठे वाला दूध पिला दो, तेज़ मीठे वाला दूध पिला दोगे तो उससे जल्दी गुनगुने दूध से पेट साफ़ हो जाता है। फिर आप इसके अलावा उसको, बच्चा अगर खाने लग गया है कुछ थोड़ा थोड़ा भी, तो ठीक है आप उसको सूप पिला दो सब्जियों के, आप उसको थोड़ी थोड़ी सब्जी मैश करके दे दो। अगर नहीं पीता है खाता अभी, तो आप उसको क्या कर सकते हो कब्ज तोड़ने के लिए, फलों का रस पिला दो बार बार, दो दो चार चार चम्मच, थोड़ी थोड़ी देर बाद फलों का रस देने लग जाओगे, जब थोड़े थोड़े दिनों में आप देखोगे कि उसकी कब्ज अब रहती नहीं है, शरीर ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, आंतें अब गर्म नहीं होती, तो कब्ज भी ठीक हो जाएगी। तो फलों का रस भी पिलाया जा सकता है। इसके अलावा फल जो उसको देने हैं बच्चे को, छिलके समेत देने हैं। छिलका उतार के अगर सेब दोगे तो कब्ज करेगा, छिलके समेत दोगे कद्दूकस करके दे दो चाहे, तो वो उसको कब्ज नहीं करेगा। दालें, दाल भी अगर देनी है, दाल का पानी देना, तो छिलके वाली, वो पेट साफ करती है, धुली हुई दाल से तो दस्त अगर बच्चे को आ रहे हैं तो अच्छी है, उसको रोकती है, कब्ज होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, आप इसको आजमाओ और अपने बच्चों को स्वस्थ रखो, और परमात्मा करे आपके बच्चे लंबी आयु जिए और बड़े इंसान बने। लेकिन अगर कोई दिक्कत और भी बच्चों को आपको आ रही है, आपको नीचे बताना पड़ेगा इसी वीडियो के नीचे। जब मैं अगला बच्चों के ऊपर कोई एपिसोड लाऊंगा तो इसी वीडियो के नीचे से कमेंट्स चेक करूंगा। आप इधर उधर कमेंट्स कर देते हैं, जब मुझे नया टॉपिक कोई तलाशना होता है तो फिर मुझे प्रॉपरली कई बार नहीं भी माइंड में आता, इसके नीचे ही कमेंट्स कर देना, जब टाइम लगेगा मैं बच्चों के ऊपर नई वीडियो बना दूंगा। और हाँ, जिनको भी बच्चों को कब्ज रहती है उनको दही केला ना दो, उनको अकेली दही दे सकते हो, अकेला केला भी दे सकते हो, लेकिन दही में केला फेंट के नहीं दो,
क्योंकि दही केला फेंट करके हम तब देते हैं जब बच्चे को दस्त लगे हो या बच्चे को पेट साफ होने में कोई परेशानी नहीं हो। इन दोनों स्थितियों में तो दिया जा सकता है दही केला, लेकिन जिस बच्चे को ऑलरेडी कब्ज है तो उसको दही केला नहीं देते, हम उसको दूध के साथ केला दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसको मक्खन के साथ केला दे सकते हैं। दही के साथ फेंट करके केला देने से किसी किसी बच्चे को कब्ज भी हो सकती है, तो ये भी ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।